इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आगाज। प्रगति मैदान में जुटी देशी विदेशी कंपनियां। 27 नवंबर तक चलेगा मेला। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आगाज हो गया है। ये व्यापार मेले का 37वां संस्करण है। 14 से 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में दुनिया भर से लगभग 3000 कंपनियां और फर्में भाग ले रही हैं। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसका मेन थीम देश के युवाओं को रोजगार के लिए, क्योंकि स्टार्टअप और स्टैंडअप और मेक इन इंडिया, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लॉन्च की गई है, उन स्कीम्स को आगे बढ़ाना और उनके ऊपर जो नया युवा है वो अपने किस प्रकार से स्टार्टअप और स्टैंडअप के तहत फ़ायदा उठा सकते हैं। नए जो आएंगे जिन्होंने स्टार्टअप चालू किया है, उनके भी एग्जीबिटर आए हैं, तो इन सब को देख करके देश में नए जो रोजगार हैं उनकी ओर बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज डेवलप होगी। इस बार मेले का आयोजन पहले से करीब आधे क्षेत्र पर ही किया जा रहा है। इसकी वजह यहाँ पर चल रहा निर्माण काम है। ट्रेड फेयर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं। इन सभी के लिए अलग से एक बड़ा स्थायी मंडप बनाया गया है, जहाँ इन राज्यों के उद्यमी और छोटे कारीगर अपने उत्पादों का स्टॉल लगा सकेंगे। आईटीएफ की शुरुआत तो हो चुकी है, ट्रेड फेयर की शुरुआत हो चुकी है 2017। इस बार जो एरिया है वो करीब 3000 कंपनियों के लिए है, लेकिन जो पहले एरिया हुआ करता था करीब 1,00,000 स्क्वायर फीट के करीब एरिया हुआ करता था, वर्ग मीटर के करीब एरिया हुआ करता था, लेकिन इस बार काफ़ी कम क्षेत्र में है, लेकिन कंपनियाँ करीब 3000 हैं। पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम ज़रूर होगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि 2020 तक ट्रेड फेयर में करीब 12,000 कंपनियाँ पार्टिसिपेट कर पाएंगी। उधर मेले की आयोजक इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इंडोनेशिया, इराक, ब्रिटेन, थाईलैंड, यूएई, चीन, तुर्की, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम सहित कई देशों की 225 से अधिक कंपनियां इस मेले में हिस्सा ले रही हैं। उधर दिल्ली पुलिस ने ट्रेड फेयर को देखते हुए खास तैयारियां भी की हैं। मथुरा और भैरव मार्ग पर किसी भी जगह पर गाड़ियों के रोकने या फिर पार करने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा शेरशाह रोड, पुराना किला रोड, भगवान दास मार्ग और तिलक मार्ग पर भी वाहनों की पार्किंग बैन है। इस मेले के टिकट प्रगति मैदान मेट्रो को छोड़कर 42 मेट्रो स्टेशनों पर मिलेंगे। टिकट को मेट्रो के कस्टमर केयर से सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खरीदा जा सकता है। आम दिनों में इसके टिकट की कीमत बड़ों के लिए 60 रुपए और बच्चों के लिए 40 रुपए होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ सैयद आमिर, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।